जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। अब एक न्यू अपडेट निकल कर आई है कि श्रीनगर को अब मेट्रो सिटी बनाया जाएगा और इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। आइए दोस्तों पूरी डिटेल के साथ जानते हैं कि क्या है अपडेट, क्या कुछ नया होने वाला है। जिस प्रकार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई मेट्रो सिटी में शामिल हैं, ठीक उसी प्रकार श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बन जाने के बाद एक मेट्रो सिटी में तब्दील कर दिया जाएगा। वर्तमान के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 3 श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और 25 शहरी स्थानीय निकायों यानी ULB परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 3 स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में से पोलो व्यू को पैदल यात्री उन्मुख शॉपिंग स्ट्रीट में बदल दिया गया है। अभी गुजर शिव मंदिर को जीर्णोद्धार किया गया है और लोगों को समर्पित कर दिया गया है और श्रीनगर स्मार्ट सिटी के बेड़े में स्मार्ट उन्नत यातायात प्रबंधन वाहनों को शामिल किया गया है। जनता को समर्पित शहरी स्थानीय निकाय यानी ULB 11 ULB में 16 विकास परियोजनाएं और 10 ULB में 9 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं हैं। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि ये परियोजनाएं शहरी बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगी और जीवन को आसान बनाने में मदद करेगी। साथ ही साथ उपराज्यपाल ने कहा कि श्रीनगर के मध्यम में स्थित पोलो व्यू को पैदल यात्री उन्मुख उच्च सड़क में बदल दिया गया है जो अधिक फुटफॉल को आकर्षित करेगा, खुदरा बिक्री में वृद्धि भी करेगा, आगंतुक के अनुभव में सुधार करेगा और यह क्षेत्र को अधिक रहने योग्य बना देगा। देश के अन्य बड़े शहरों के बराबर सुविधाएं बनाने के प्रयासों को साझा करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि पोलो व्यू बाजार अभी शुरुआत है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में श्रीनगर स्मार्ट सिटी रेजिडेंसी रोड, लाल चौक और पुराने शहर जैसे क्षेत्रों में समान बाजारों का विकास कर रहा है। उपराज्यपाल ने कहा कि शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में समग्र दृष्टिकोण व्यक्ति की भलाई, नए रास्ते और लोगों के लिए अधिक विविध आय, बेहतर सेवा वितरण, गतिशीलता, स्वच्छता और सतत शहरी विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के अवसरों में केंद्रित है। उपराज्यपाल ने कश्मीर की संभाग के सभी 40 ULB की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शहरों को केंद्र में रखा गया है और ठोस अभूतपूर्व अवसर प्रदान कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि नई उद्घाटन परियोजनाएं शहरी पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा को भूलते हुए उपराज्यपाल ने UT के अद्वितीय विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज की आर्थिक विकास को नई गति मिल रही है, परियोजनाओं को पूरा होने की गति 9 गुना बढ़ गई है और समाज का हर वर्ग सशक्त महसूस कर रहा है। ताकि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लोगों की जरूरतों के हिसाब से विकसित किया जा सके, ULB के निर्वाचित प्रतिनिधियों और आम लोगों से शहरों का कायाकल्प करने, उन्हें अधिक जीवंत, कुशल, स्वच्छ और टिकाऊ बनाने की मिशन में प्रशासन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने का आह्वान किया। प्रत्येक नागरिक के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक मजबूत आधार बनना चाहिए। उपराज्यपाल ने यह कहा कि हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि बुनियादी ढांचा विकास 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करे, हमारे शहरों की अमूल्य विरासत और परंपराओं का प्रतिबंधित करे, ताकि ऐसा विकास हो कि हमारे परंपराएं भी बची रहें और विकास भी साथ साथ में होता रहे। उन्होंने शहरों के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता अभियानों में अधिक से अधिक जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। पोलो व्यू में उपराज्यपाल ने दुकानदारों के साथ बातचीत की और उनके सहयोग के लिए ट्रेडर्स एसोसिएशन की सराहना की। उपराज्यपाल ने इस अवसर पर शहर के विभिन्न स्थानों के लिए साइकिल साझा करने की सुविधा का भी उद्घाटन किया। चर्बी जलाएं, तेल नहीं, मैं कोई डॉक्टर का राय नहीं दे रहा हूँ, ये एक थीम है जो कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी में लागू किया गया है और ये भारत का पहला थीम है। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि श्रीनगर को एक स्मार्ट सिटी के रूप में बदला जा रहा है। नई स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में स्थानीय लोगों और पर्यटकों को कार्बन मुक्त परिवहन व्यवस्था देने का काम 1 साल पहले शुरू हुआ था। साइकिल पॉइंट शुरू किया गया है, इसका थीम है चर्बी जलाएं और तेल नहीं। दरअसल श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजनाओं छोटी अवधि के लिए परिवहन के वैकल्पिक साधन के रूप में साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। पहले दिन श्रीनगर नदी के मोर्चे पर 5 डॉकिंग स्टेशनों पर लोगों के किराए पर लेने के लिए साइकिलों को डिस्प्ले पर रखा गया है। श्रीनगर शहर में स्मार्ट साइकिलों के लिए 100 डॉकिंग स्टेशन होंगे। चार्टर्ड बॉक्स के प्रभारी मेहरान खान ने कहा, हमने श्रीनगर के राजबाग क्षेत्र में स्थित डॉकिंग स्टेशनों पर साइकिलें रखी हैं। साइकिलों को एक मोबाइल ऐप के जरिए किराए पर लिया जा सकता है और यात्रा की अवधि और दूरी के आधार पर ऑनलाइन भुगतान भी किया जा सकता है।
श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों के अनुसार श्रीनगर शहर के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग साइकिलिंग ट्रैक आने से ट्रैफिक की भीड़ कम हो जाएगी। इन साइकिल ट्रैक से स्मार्ट सिटी का काम पूरा होने के बाद श्रीनगर एक अलग रूप से पेश होगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान में 70 साइकिलिंग पॉइंट या डॉकिंग स्टेशन पूरे हो चुके हैं। अगले कुछ दिनों में सूची में 30 और पॉइंट जोड़े जाएंगे। 15 दिन के भीतर शहर के विभिन्न हिस्सों में 100 से अधिक साइकिलिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, जहां से लोग किराए पर साइकिलिंग ले सकते हैं। साथ ही साथ अधिकारियों का कहना है कि नए साइकिल ट्रैक साइकिल चालकों को श्रीनगर की विरासत और संस्कृति को एहसास कराएंगे। शहरी स्थानीय निकाय कश्मीर ने क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए चल रही परियोजनाओं का जानकारी दी। साथ ही साथ राज्यपाल ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में श्रीनगर स्मार्ट सिटी बन जाने के बाद एक मेट्रो सिटी में तब्दील कर दिया जाएगा, ताकि श्रीनगर पूरे भारत से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा रहे। दोस्तों, ये छोटा सा नया अपडेट कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँ।